हिमाचल प्रदेश की राजनीति शिमला के उपनगर संजौली में विवादित मस्जिद को लेकर चल रही है। इस बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। संजौली में बुधवार को हुए उग्र प्रदर्शन के बाद गुरुवार को शहर के कारोबारी शिमला की सड़कों पर उतर गए। मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज को लेकर कारोबारी आक्रोशित हैं। व्यापारियों ने जुलूस निकाला और सड़क पर हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। संजौली में हिंदू समाज के उग्र प्रदर्शन में कई कारोबारी भी शामिल हुए। लाठीचार्ज में कुछ कारोबारी चोटिल हुए। लाठीचार्ज से गुस्साए कारोबारियों ने दुकानों पर ताले जड़ दिए। शिमला व्यापार मंडल के आह्वान पर कारोबारियों ने शेर ए पंजाब से लोअर बाजार होते हुए उपयुक्त कार्यक्रम में रोष रैली निकाली। प्रदर्शन कर रहे कारोबारियों ने एसपी शिमला को बर्खास्त करने के नारे लगाए। कारोबारियों का कहना है कि पुलिस द्वारा प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर लाठीचार्ज करना कतई सही नहीं था। शिमला व्यापार मंडल के आह्वान पर शहर के सभी मुख्य बाजारों को आधे दिन के लिए बंद रखा जाएगा। शिमला का चर्चित मॉल रोड, लोअर बाजार, राम बाजार, कुंसुपंटी, पंथाघाटी और लक्कड़ बाजार की दुकानें सुबह से बंद रहीं। विवादित मस्जिद की वजह से सुर्खियों में आया संजौली का पूरा बाजार भी बंद है। उपनगरों के व्यापार मंडलों ने भी लाठीचार्ज के खिलाफ दुकानें बंद रखी हैं। ढली, टूट और बालूगंज उपनगरों में भी दुकानों पर ताले लटके दिखे। शिमला व्यापार मंडल के प्रधान संजीव ठाकुर ने कहा कि संजौली में हिंदू समुदाय पर हुए लाठीचार्ज की घटना के विरोध में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक दुकानें बंद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि बंद केवल 3 घंटे के लिए है और इसके माध्यम से हम प्रशासन को अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि संजौली में हुए लाठीचार्ज में स्थानीय कारोबारी और भाजपा व शामिल शहरी क्षेत्र से विधानसभा प्रत्याशी संजय सूद भी घायल हुए। इसके मुंह पर चोटें लगी। उन्होंने कहा कि संजय सूद समेत अन्य नेताओं पर लाठीचार्ज करना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि बाहरी राज्यों से आए ऐसे लोगों पर सख्ती की जाए जो बिना पहचान बताए यहाँ पर अपना कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को चेताया कि ऐसा नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज़ कर दिया जाएगा। उपनगर संजौली में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया। प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़कर संजौली बाजार में दाखिल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने धारा 163 के अवहेलन करते हुए विवादित मस्जिद के स्थल से 100 मीटर करीब तक पहुंच गए। यहां प्रदर्शनकारी घंटों तक जमा रहे और नारेबाजी करते रहे। इस दौरान प्रदर्शनकर्मियों को पुलिस के साथ झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठियाँ भाँजी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। शिमला पुलिस ने इस उग्र विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस स्टेशन में 3 अलग अलग केस दर्ज किए। संजौली में विवादित मस्जिद स्थल के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 1 दर्जन लोग चोटिल हुए। इसमें 6 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। DGP अतुल वर्मा ने एक महिला पुलिस कांस्टेबल समेत 6 पुलिस जवानों को घायल होने की पुष्टि की। हालांकि सभी की हालात खतरे से बाहर है। घायलों में कांस्टेबल प्रवीण शर्मा, दिनेश, पूजा, खेमराज, शुभम और एक अन्य शामिल है। वहीं प्रदर्शनकारियों में भूपेंद्र, राजू, पूजा, निशांत, साहिल, किशोर और श्याम चोपड़ा चोटिल हुए। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।